हेलो, देख पा रहा है क्या क्लास? एक बार ज़रा देख कर बताइएगा, क्योंकि खुद से ही सेट करना पड़ रहा है। आया है क्या? अच्छा, नहीं है। नोटिफिकेशन आया है क्या? देख पा रहे हैं? देखिए बाबू, आज स्टूडियो में कोई है नहीं, तो खुद ही से देखना पड़ रहा है। क्या आप लोगों को दिख पा रहे हैं? हेलो, दिख पा रहा हूँ। आज पूरा जो लाइव का है सेशन, वो सारा मैं खुद से ही कर रहा हूँ, तो थोड़ा मोड़ा कई बार दिक्कत हो रहा है, उसको देखिएगा आप लोग। दिख पा रहा हूँ, आवाज़ जा पा रही है? अरे जरा सा कमेंट करके बताएंगे सब लोग। लाल मोहन यादव, बिक्की बाबाराज, अंकित डांगी, राजेश, सभी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे लेट कैसे हो रहा है। पूरा क्लास का जो है टाइपिंग से लेके लाइव तक का आज मैं सारा खुद ही कर रहा हूँ। तो जिनको ज़्यादा परेशानी अगर थोड़ा मोड़ा होगा ना, थोड़ा वेट कर लिया कीजिए, बैड बॉय भी जुड़ गए हैं आज। शुरू करते हैं अब। देखो, आज हम लोग पैकेज नहीं करवा रहे हैं आज भर यार, आज टाइप करेंगे, ठीक है, एसआई का। और जितने लोगों को लगता है कि सर एसआई का टाइप्स वो जिस तरह से होना चाहिए था ऑफलाइन में, जिस तरह से मज़ेदार ढंग से करते थे, कहानियाँ बना बना के करते थे, थोड़ा नहीं हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं यार। लेकिन कम से कम कुछ नहीं से कुछ बेहतर हो रहा है अभी आपको। अभी हम लोग कर रहे हैं कुछ कुछ नहीं से कुछ बेहतर, तो आपको इसी से काम चलाना होगा, ठीक है। अभी ये कंपेयर करना कि ऑनलाइन में सर ऐसा हो रहा है, ऑफलाइन में हम लोग रेगुलर कर रहे थे बेहतर ढंग से, कितने मज़ेदार ढंग से प्रॉफिट एंड लॉस और ऐसा ही ख़त्म किए थे, मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा इसमें आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ा बात कि बहुत बच्चा तो जुड़ भी नहीं पा रहा है ऑनलाइन। कितने लोगों को ध्यान ही नहीं हुआ, अरे आज तो क्लास भी था 1 बजे से, आपको डेली क्लास रहेगा 1 बजे से। अभी 2-3 दिन की छुट्टियों के बाद आप आए हैं, देखिए तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा मोड़ा थोड़ा सा आने में, फिर से रेगुलर आने में दिक्कत होगा। मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन। पिछले क्लास का क्वेश्चन कुछ ले रहा हूँ, जो कि एक दो आपको याद है कि नहीं, मैं बनवाऊँ। जरा सा कॉपी कलम उठाइए और जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सब लोग आंसर दीजिएगा जरा, और फिर आज करेंगे थ्योरी। देखो मुझसे ये, हाँ ये एक सवाल करवाया गया था शायद पिछले क्लास में, बताइएगा कितना इसका राशि नहीं, इसका रेट निकालिए, इसका दर निकालिएगा आप। राशि नहीं निकालिए, इसका रेट निकालिए, फाइन दर। राशि क्या है? हाँ, तो दर ज्ञात करें, इसका दर निकालिए आप लोग जरा। सब लोग क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किए हैं, सब ठीक है। देखिए मिशन CHSL लिख रहे हैं, आई होप कि सचमुच मिशन में लगे हुए हैं सब लोग। सवाल है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 658 रुपया और 6 वर्ष में 878 रुपया हो जाता है, तो राशि क्या है? अंकित राज, गुड आफ्टरनून। प्रवींद्र कुमार, मिशन CHSL। कुलेश्वर प्रसाद, विक्की बाबा, लाल मोहन यादव, जो लोग भी जुड़े हुए हैं आंसर जरूर बताएं। नहीं, उसको कॉल मैसेज कीजिए सबको।
अभी तक नहीं आ रहे, यानी कि सब लोग भूल गए। 4 साल में 4 वर्ष का जो किसी धन का 4 ईयर का एसआई था, यहाँ पर एसआई नहीं 658 हो जाता है, इसका मतलब ये अमाउंट दिया हुआ है। तो कोई धन 4 वर्ष में क्या हो रहा है, 4 वर्ष में मृषधन हो जा रहा है 658, यानी कि अमाउंट हो जाएगा 658 रुपया, कितने साल में, 4 साल में। अब 6 वर्ष में बोल रहा है कि हो जा रहा है वही 878। हम पिछले क्लास में बताए थे कि दो अमाउंट का अंतर निकालिएगा तो एसआई निकलेगा, और एसआई समय का अंतर यानी 2 वर्ष का एसआई दिखेगा यहाँ पे। 2 साल का एसआई देखिए आपको दिख रहा होगा, 2 साल का एसआई 220 रुपया हो जाएगा, है कि नहीं, 2 साल का एसआई 220 रुपया हुआ। सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर का उसी रेट से कितना होगा, 220। सर आपको ये दिक्कत होगा कि अमाउंट को ये घटाने के बाद एसआई कैसे मिला, तो आपको पिछले क्लास में डिस्कस किया गया है कि जब भी दो अमाउंटों को घटाएंगे तो ऐसे केस में क्या मिलेगा, ऐसे केस में मिलेगा ब्याजों का अंतर, यानी कि पहला ब्याज और दूसरे ब्याज का अंतर मिलेगा। तो ये बता दिया गया है पिछले क्लास में, जिनका भी पिछला क्लास छूटा हुआ है पिछला वीडियो जरूर देखें, और फिर से डाल दिया गया था सारा वीडियो, ताकि आप लोग जिनको भी लगता होगा कि मेरा छूट गया था, फिर आज के बाद से फिर वो डिलीट कर दिया जाएगा, अनलिस्टेड कर दिया जाएगा। तो आप लोग आज ही के आज 1-2 दिन में जब समय दिया जाता है तो मेंटेन कर लिया कीजिए, देख लिया कीजिए, मुझे लगता है कि क्लियर बात है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ पर मेरा 2 साल का आया, मैं 1 साल का निकाल सकता हूँ क्या, 1 साल का या 4 साल का डायरेक्ट निकाल लीजिए। 4 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा 440 रुपया। हमको रेट निकालना है भाई साहब, प्रिंसिपल पहले निकाल लीजिए। प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा 4 वर्ष का अमाउंट कितना था 658, 4 साल का मृषधन, अरे भाई मूलधन और ब्याज मिला के मृषधन कितना रुपया, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल और एसआई मिला के 658 था 4 साल का, और 4 साल का एसआई 440 रुपया है, एसआई हमारा 440 है। ये प्रिंसिपल ये जो था वो अमाउंट था, उसमें से हम एसआई घटा रहे हैं तो क्या मिलेगा हमको, 218 रुपया मिलेगा हमारा प्रिंसिपल। अब 218 रुपया पर 440 रुपया ब्याज मिल रहा है कितने साल में, 4 साल में। देखिए ब्याज क्या मिला है, 4 साल में ब्याज मिला है आपका 218 रुपया पर 440 रुपया। बात यह है जो ये 4 साल निकाले थे ना, वो 4 वर्ष का प्रिंसिपल ये ब्याज है, किस प्रिंसिपल पर, यही वाला पर। अब आपको कई बार लगेगा कि सर ये 218 रुपया और 440 रुपया ब्याज हो गया, क्यों नहीं हो सकता है, बहुत हो सकता है। अब हमको रेट निकालना है, तो रेट बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा प्रिंसिपल इंटू टाइम। सर कहेंगे सर ये फॉर्मूला क्यों लगाते हैं आप, डायरेक्ट नहीं सोच सकते, सोचेंगे लेकिन लगाइए आप फॉर्मूला, सोचने लगेगा आप पहले फॉर्मूला लगाइए। साधारण ब्याज आपका कितना है 440 रुपया, और प्रिंसिपल आपका दे रखा है 218 रुपया, और समय आपका था 4 वर्ष। मुझे लगता है कि आपको यहाँ से निकल आएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा है, आप कैलकुलेशन खुद से कीजिए, शायद कैलकुलेशन में ही आपको वक्त लग रहा था। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो 4 × 2 = 800 के करीब आधा है, 50 के करीब है, तो 50% के करीब लमसम आएगा आंसर, लेकिन आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। 4 से 25 चौका 100 हो रहा है क्या, ये 25 चौका 100 हो रहा है, ये भी कट रहा होगा आपको 3 से, यानी कि 4 से, तो 4×25 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 10×2 = 20, 9×2 = 18, तो 109 बार में, 109 और ये 2 से कटेगा तो 220। जो भी कैलकुलेट करके आता है अप्रोक्स में आपको 25×50 और 25×50 5500 बटा, ये 25×50 5500 बटा 109% के करीब रेट आएगा, जो कि काटेंगे तो आप 55% के करीब आएगा। क्या होगा कि 55 अगर इसको मानते हैं तो 55 से कम आएगा, 55 से कम का मतलब कि 50 और 55 के बीच में रहेगा, जो भी आएगा इसको काट के आप देख सकते हैं, ठीक है। 218 ये तो प्रिंसिपल आ रहा था, 218 हमने क्वेश्चन काट कर लिखा है रेट ज्ञात करें, तो रेट आपको निकालना होता तो ऐसे करते हैं। पिछला क्वेश्चन था सर 9:30 बजे वाला ऑनलाइन क्लास हो रहा है क्या, सभी क्लास हो रहा है यार, कोई भी क्लास नहीं है मैं अपने स्तर से, हाँ आज थोड़ा सा क्लास हम कम दिए हैं, कारण उसका कि हम खुद से ही आज कर रहे हैं सारा, तो आप देख ही रहे हो क्वेश्चन थोड़ा सा सही ढंग से फिट नहीं हो पा रहा है रेशियो में, तो मैं खुद से ही कर रहा हूँ, और
बस चल रहा हूँ आपके साथ, मैंने वादा किया है कि आपके साथ बिल्कुल चलता रहूँगा, आपका छोड़ूंगा नहीं, मैं वही काम कर रहा हूँ। स्थितियाँ चाहे जो हो, व्यक्ति अगर चलता रहे तो एक दिन तय है कि स्थितियाँ भी उसके अनुकूल चलने लगती है। आप कुछ दिन उसके साथ भले ही स्ट्रगल करके चलते हो, तो मुझे लगता है क्लियर हुआ था पिछले ही क्लास में, और हो गया था ये क्वेश्चन। फिर था ये भी हो गया था शायद, रेट पर रेट वाला, ये वाला हो गया था। और फिर 5 है यहाँ पर, ये भी था प्रीवियस क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से सवाल 14 से था, 14 से क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। यह शायद हो गया था क्या 13, कोई राशि नहीं हुआ था, कोई राशि हो गया था क्या ये? इससे पहले वाला तक हुआ था, मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 12 तक हुआ था, 13 से बाकी था। ठीक है, 13 से करते हैं हम, एक पिछले का क्वेश्चन ले लिए थे, तब तक सब लोग जुड़े भी हैं। ठीक है, देखिए बाबू अगर आप लोग लगातार सब लोग नहीं जुड़ते हैं तो मैं क्लास कर दूंगा बंद, समझ पा रहे हैं बात? ये क्लास कर दूंगा बंद, क्योंकि आप अगर नहीं जुड़ रहे हैं इसका मतलब फायदा आपको नहीं हो रहा है। और अगर क्लास नहीं आ पा रहे हैं टाइम से, अगर टाइम जो मैं हम देते हैं उसमें नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि कोई मतलब नहीं है क्लास का। फिर मैं तुरंत करके डिलीट कर दे रहूंगा तो 20 बच्चे को फायदा हो पाएगा, तो क्या फायदा इतना एनर्जी लगाने का? 20 बच्चे को फायदा होता है, 25 बच्चे को फायदा होता है। सो प्लीज आप लोग जरूर ज्वाइन करें, ठीक है? और अगर इतना कम हो तो फिर ये होगा कि हम उतने बच्चों को जितने लाइव रह रहे हैं उनको ये देखकर ऑफिस से अलग का एक क्लासरूम दे देंगे उसको हम। ठीक है, आपको यार जुड़ना पड़ेगा, आदमी मेहनत करता है तो उसके अनुसार से आपको थोड़ा सा रहना पड़ेगा। ठीक है, सो आगे देखते हैं सवाल। कहता है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 5 साल के लिए कर्ज दिया दिया यदि ब्याज की दर 5% अधिक हो तो ब्याज 500 रुपया अधिक प्राप्त होता है। कह रहा है ना कि कोई धन था, उसको कर्जा दिया गया, और कर्जा ऐसे दिया गया कि अगर अब 5 साल के लिए कर्जा दिया गया, ठीक है ना, कोई धन कर्जा दिया गया 5 साल के लिए कि भैया लो 5 साल बाद हमको दे देना। वो देखता है यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती, कह रहा है कि अगर जितना धन दिया गया था कर्जा में और जिस रेट पर दिया गया था उस रेट से 5% रेट केवल अधिक होता तो जानते हो क्या होता? 500 रुपया अधिक प्राप्त हो जाता राशि। मतलब कि जो ब्याज है, ब्याज 500 रुपया बढ़ जाता। अब देखिए ब्याज बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि रेट बढ़ा है, क्योंकि समय तो वही है। हम मान लेंगे कि प्रिंसिपल माना माना प्रिंसिपल कितना रुपया, माना कि प्रिंसिपल 100 रुपया है। अगर प्रिंसिपल 100 रुपया है तो 5% रेट के कारण दर में वृद्धि जो हुआ है, सो दर में वृद्धि हुआ है, दर में वृद्धि जो हुआ है वो 5% है। और समय कितना है? 5 वर्ष। ठीक है, तो भाई अगर 5% रेट में वृद्धि हुआ है और 5 साल समय है तो 100 रुपया के लिए ब्याज तो हो जाएगा कितना? 25 रुपया। ये ब्याज नहीं होगा, ब्याज में वृद्धि होगा। ब्याज में क्या होगा? वृद्धि होगा। यानी कि अगर दर बढ़ा है और बाकी कांस्टेंट है तो ब्याज में वृद्धि, जो पहले ब्याज मिलता था उससे कितना रुपया अधिक मिलेगा? 25 रुपया अधिक मिलेगा। लेकिन ब्याज यहां कितना अधिक मिल रहा है? 500। इट मीन्स कि 25 रुपीज इज नथिंग बट 500 रुपीज। 25 रुपया है, सो 500 रुपया है, तो प्रिंसिपल कितना? 100। आप कैलकुलेट कीजिए, आसानी से आ जाएगा। पंचम का 20 यानी कि 2000 रुपया, क्लियर है? 2000 रुपया आराम से ये आ जाएगा। अब देखिए आपको कई जगहों पर इस पर सवाल मिलता रहेगा, ये दर में वृद्धि, समय में वृद्धि पर। तो आपको एक बात ध्यान देना है, ब्याज में वृद्धि बराबर क्या होता है? अगर कहीं भी हो ब्याज में वृद्धि अगर निकालना हो या ब्याज में वृद्धि दिया हुआ हो, ब्याज में वृद्धि यानी कि एसआई में जो इंक्रीज कितना होगा, एसआई इंक्रीज कितना होगा, वृद्धि अगर दिया हुआ हो और ये निकालना हो, तो आप जिनको कुछ समझ में नहीं आता वो लिखिएगा ब्याज में वृद्धि बराबर मूलधन तो मूलधन ही है, समय तो समय है, और दर में जो बदलाव आएगा सो दर में वृद्धि।
इस पर भी आप निकालेंगे डायरेक्ट निकल जाएगा दर में वृद्धि बटा 100। आप इस पर भी निकालते तो आराम से निकलता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ब्याज में वृद्धि हमको निकालना था, हमको ब्याज में वृद्धि कितना रुपया है 500, ब्याज में वृद्धि कितना है 500 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है, तो ब्याज में वृद्धि कितना 500। प्रिंसिपल हमको ना पता है, समय हमको 5 वर्ष पता है, रेट में जो वृद्धि हुआ है वो 5% है, और बटा में कितना होता है 100। आप वैसे भी कीजिएगा, कुछ भी नहीं जानते हो तो 25 25 25 का 100 25 का 20 2000 रुपया। आप कुछ नहीं जानते हो तो आप केवल इतनी सिर्फ इतना इतना सा बात से आप समझ पाते होंगे कि एकदम ऑथेंटिक ही ये चीज़ है। 100 पर जो मानते हैं ऑथेंटिक है, लेकिन आपको साथ ही साथ ये ध्यान देना है, क्योंकि कई बार ब्याज में बदलाव दिल रहेगा और रेट में बदलाव पूछता रहेगा। समझ पा रहे हैं बात? यहाँ पर रेट में बदलाव दे दिया है, ठीक है, आप 5% रेट और ब्याज, अगर कई बार ब्याज में बदलाव और प्रिंसिपल दे रहेगा, जैसे ऐसे कहता हो, मान लो ये सवाल समझ गए, अगर कह रहा हो कि भाई ऐसा है कि प्रिंसिपल है 800 रुपया, देखना 13 नंबर क्वेश्चन को कैसे दूसरे तरह से देता है, 13A में मैं बता रहा हूँ, 13 का पहला क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा कुछ रहे, 13 का पहला, 800 रुपया प्रिंसिपल है, रेट दे दिया है आपका नहीं, और समय दे दिया हुआ है आपका कितना, समय दे दिया है मान लीजिए कि 4 वर्ष, और दे दिया है ब्याज, ब्याज में 200 रुपये की वृद्धि, नहीं ऐसे कहेगा कि दर दर में वृद्धि से, दर में वृद्धि से 300 रुपया ब्याज बढ़ गया, बढ़ गया, ठीक है, तो दर में वृद्धि ज्ञात करें। कई बार ऐसा देते रहता है चेंज कर करके, दर में वृद्धि ज्ञात करें, ज्ञात करें। आपको क्वेश्चन कुछ समझ में आ रहा है क्या? प्रिंसिपल कोई धन 800 रुपया है, 800 धन है, अब उसमें 4 वर्ष समय दिया हुआ है, और कहता है कोई दर में वृद्धि हुआ, दर में वृद्धि से, दर में वृद्धि के कारण, दर में वृद्धि के कारण, दर में वृद्धि के कारण ब्याज 300 रुपया बढ़ गया। कुछ समझ में आ रहा है बात? क्या भाषा दिख रहा है क्या? मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिएगा, सवाल होगा कि 800 रुपया धन है, 800 रुपया धन में 4 वर्ष का के लिए लगाया गया 800 रुपया धन, दर में वृद्धि हुआ कुछ, कोई दर पहले से था और अब दर बढ़ गया, दर में वृद्धि के कारण 300 रुपया ब्याज बढ़ गया, दर में वृद्धि के कारण 300 रुपया बढ़ गया, तो आप बताइए कि दर में कितना वृद्धि हुआ था। अरे क्लियर है, दर में कितना वृद्धि हुआ था, आपको बस कुछ नहीं करना है, लिखना है दर में वृद्धि, दर में वृद्धि बराबर, दर बराबर क्या होता था, रेट बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा प्रिंसिपल गुने टाइम, है ना, रेट बराबर दर बराबर, रेट बराबर ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 अपॉन प्रिंसिपल इनटू रेट। तो दर में जो वृद्धि आया वो कितना आया, यहाँ पे दर में वृद्धि आया 300 रुपया गुने 100, ब्याज में वृद्धि आया कितना रुपया 300 रुपया, काहे कि ब्याज बढ़ा होगा रेट के कारण, तो यहां पर आपको दर में वृद्धि है दिया हुआ, तो यहां पर लिखना होगा ब्याज में वृद्धि, यहां लिखना होगा ब्याज में वृद्धि। अगर केवल रहता था दर में दर निकालना तो हम ब्याज लिखते थे, लेकिन दर में वृद्धि निकालना है तो यहां लिखना होगा ब्याज में वृद्धि गुने 100 बटा प्रिंसिपल गुने टाइम, बस प्रिंसिपल आप देखिएगा कितना था, ब्याज में वृद्धि हुआ था 300 रुपया और गुने 100 और 800 रुपया था और गुने 4, यही आप निकालिएगा, काटिएगा, जो भी आएगा सो आंसर होगा। ये सवाल भी ध्यान दीजिएगा, ये कट गया, और 8 चौका 32 25 25 75 बटा 8% रेट रहा होगा,
8 × 7 = 56 जो भी आ जाता होगा 75/8% रेट होगा। आप कुछ समझ पा रहे हैं क्या? क्या आवाज आ पा रही हमारी? क्वेश्चन अगर नहीं स्पष्ट हुआ है तो मैं क्वेश्चन स्पष्ट कर दूं। कहता है किसी धन को, कोई धन 800 रुपया है, कोई धन 800 रुपया है, 800 रुपया का को 4 वर्ष के लिए लगाया गया, कोई धन 800 रुपया को 4 वर्ष के लिए लगाया गया है, दर में बदलाव के कारण 300 रुपया ब्याज बदल जाता है, बढ़ जाता है। दर में वृद्धि के कारण 800 रुपया धन को कितने के लिए? 4 वर्ष के लिए लगाया जाता है किसी दर पर, लगाया किसी खास दर पर लगाया जाता है। गया, लेकिन दर में वृद्धि के कारण ब्याज 300 रुपया बढ़ जाता है। देखो यहां पर प्रिंसिपल भी दे रखा है भाई साहब। तो दर में वृद्धि, दर में वृद्धि ज्ञात करें। हालांकि दर वार्षिक होगा, यहां पर स्पष्ट बात है कि दर वार्षिक है, कहीं कोई ये ना सोचे कि कहीं मंथली हो तो नहीं होगा, दर वार्षिक है। तो ये क्वेश्चन है और इसका सोल्यूशन ऐसे, केवल दर जो जनरल फॉर्मूला है, वैसे दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा प्रिंसिपल गुने टाइम आप जानते हो, लेकिन आप केवल दर में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। कभी भी समय में वृद्धि हो उसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा? दर पर। किसी में भी वृद्धि, प्रिंसिपल में वृद्धि हो तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा इस पर। तो मुझे लगता है आप लोग सब समझ रहे होंगे। ठीक है, अगला सवाल आप देखते हैं, क्या ये क्लियर हुआ? इसको अलग से टाइप्स में लिख लीजिएगा, 14 क्वेश्चन नंबर। हालांकि ये सब सारा जितना सारा समय में बदलाव करके टाइप्स बनाया जा सकता है। थीम क्या है? थीम यह है कि कभी भी दर समय बदले तो उसका सीधा सीधा असर किस पर पड़ेगा? ब्याज पर पड़ेगा। और ब्याज में अगर कोई बदलाव हुआ है तो समझिए दर समय और प्रिंसिपल में कोई बदलाव हुआ होगा। मैं 3-4 दिन से यही रटे जा रहा हूँ। ठीक है, चूड़ा दही भी आप लोग खाकर आ गए। सर आज नोटिफिकेशन नहीं आया था। अच्छा, इसीलिए शायद बच्चे कमजोर पाए हैं। गुड, मैं आज सीख लेता हूँ कि नोटिफिकेशन कैसे भेजेंगे। ठीक है, अगले क्लास से नोटिफिकेशन भी जाएगा। देखिए स्थिति है कि कभी कब किसको कहाँ काम आ जाए और कौन ना उपस्थित हो, इसीलिए तैयार हमेशा से रहना पड़ता है। मैं टाइप वगैरह खुद से कर रहा हूँ और साथ ही साथ डिजिटल बोर्ड में भी ये कर रहा हूँ और उसके बाद से यहाँ लाइव भी मैं खुद ही कर रहा हूँ। आज थोड़ा सा लेट हुआ लाइव करने में। ठीक है, छोड़ेंगे तो नहीं बाबू, इतना आसानी से छोड़ने वाले में से हम हैं नहीं और ना ही आपको छोड़ने देंगे। ठीक है, आप थोड़ा समय दो, हम आपको नौकरी देंगे। ठीक है, आप ईमानदारी से अपने आप को समय दीजिए, आप अपने आप बेहतर बन जाइएगा। बशर्ते कि आपको अपने आप को बेहतर बनाने में ईमानदारी नहीं है बाबू, धोखाला घोटाला कर देते हो। ठीक है, आप अपने आप में अगर ईमानदारी से कर दें, कुछ मजाल है जी, कोई कट ऑफ होता है बताइए। नया बच्चा बहुतों का हुआ है रिजल्ट, पुराने बच्चे में बहुत कम लड़कों का कम मार्क्स पे भी रिजल्ट हुआ है। गया से बढ़िया रिजल्ट हुआ है। और जितने लोग सोचते हैं कि केवल हम मैथ्स या केवल हम GS या केवल साइंस सेक्शन को छोड़ देंगे, तो थोड़ा भ्रम है। पढ़ाई बढ़िया से करिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो। आसपास देख रहे होंगे, हताश पड़ल होगा। बहुत लोग बोल रहे हो कि आप छोड़ दो मेरे, एक तो 5 साल बाद भरोसा था, क्रम में ना हुआ, अब क्या करिए, यही लास्ट हल है। आप पागली के कितना समझाइए, बड़े दिन से रोक ले है लिए, टेंशन ना लो, इस बार हो जाए तो। लेकिन लास्ट एक बार आप ग्रुप डी देखिए ले। अब ग्रुप डी का हमें भी ओकरा से खराब लगा है, लेकिन बाबू नौकरी नौकरी है। कोई भी एग्जाम आप दीजिए, रिजल्ट दीजिए पहले, बहुत मैटर करता है बाबू। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आज जितने लोग अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं, इस क्लास का स्ट्रेंथ मैं जानता हूँ। और आप लोग अगर नहीं हैं तो दो तीन बात है, या तो धीरे धीरे आप लोग पढ़ाई छोड़ रहे हो, बाद में क्यों देखेंगे आप? अगर क्लास होता तो आप आते कि नहीं क्लास आते?
ठीक है आगे देखते हैं, मुझे लगता है कि हो गया है। सवाल देखिए अगला कह रहा है, एक व्यक्ति 6% वार्षिक दर से कोई धन उधार लिया, यदि यह दर 1.5% वार्षिक दर से हर वर्ष बढ़ता है तो 3 वर्ष के रूप में देता है तो राशि क्या है। एक व्यक्ति 6% वार्षिक दर से कोई धन उधार लिया, यदि यह 1.5% वार्षिक दर से हर वर्ष बढ़ता है तो 3 वर्ष, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लग रहा है हमको है। देखिए यहां पर कोई धन होना चाहिए था, यह क्वेश्चन जहां डाउट लग रहा है मैं डिस्कस कर ले रहा हूं। एक व्यक्ति 6% वार्षिक दर से कोई धन उधार लिया, यदि हर वर्ष, ये बहुत गलत दिया हुआ है, 1.5% वार्षिक दर से हर वर्ष बढ़ता है 1.5%, तो 3 वर्ष के रूप में ब्याज देता है या इतना देता है, कुछ धनराशि होता है यहाँ पर, 3 वर्ष में कुछ खास रुपया ब्याज देता। मैं देख लेता हूँ, क्वेश्चन सुधारने का प्रयास करता हूँ। 1.5 वर्ष तो 6, 1.5 वर्ष करेंगे कितना हो जाएगा, 7.5, और 7.5 1.5 करेंगे तो 9 हो जाएगा, है ना। तो 7, 6, 13 और 9 7, 6, 13, 9, 22, 22.5 हाँ मान लीजिए ना कि 4500 रुपया ब्याज देता है 3 वर्ष के अंत में 4500 रुपया साधारण ब्याज के रूप में देता है 3 वर्ष के अंत में 7, ये यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए था, 3 वर्ष के अंत में 4500 रुपया ब्याज के रूप में देता है, 4500 रुपये ब्याज के रूप में देता है। यहाँ पर देखिएगा, ये एक टाइप है जो कि बहुत ट्रेडिशनल टाइप, मतलब बहुत पुराना, पहले से ही चलता आ रहा है ये क्वेश्चन, ट्रेडिशनली इस तरह से पूछते रहा है, रेट उठ बढ़ा उड़ा के। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, इसको क्वेश्चन को सोचे कि छोड़ते नहीं है, सुधार कर दिए कुछ। एक बार फिर से क्वेश्चन समझिएगा, एक व्यक्ति 6% दर से, कोई खास रेट है 6% का, उससे कोई धन कर्जा लिया है, लेकिन रेट में हर वर्ष चेंज हो रहा है अलग अलग, जैसे कि पहला साल 6% रेट है तो अगला साल 1.5% बढ़ जाएगा, फिर अगला साल 1.5% बढ़ जाएगा, और यदि दर हर वर्ष बढ़ता है तो 3 वर्ष के अंत में 450 रुपया ब्याज के रूप में देता है, 450 रुपया साधारण ब्याज, 4500 रुपया ब्याज के रूप में देता है। कितना, किस रूप में देता है, ब्याज के रूप में देता है। यहां से इसके बाद फिर देख लीजिएगा, ब्याज के रूप में देता है तो राशि क्या है, ऐसा दिया होगा, या फिर यहां पर मृषधन दिया हुआ रहेगा, ब्याज दिया हुआ रह सकता है, यही सब कुछ दिया होगा, ठीक है, आपको बस क्वेश्चन समझना है। तो ऐसा क्या धन होगा कि जिसको 6% के दर से रेट देना शुरू किया और 3 साल में हर साल 1.5% बढ़ाता गया और ब्याज उसको देना पड़ा कितना, 4500 रुपया, तो धन क्या होगा, है ना। कंचन कुमार, शशि रंजन, ठीक है जुड़िए। अब देखिए मैं मानूंगा फिर प्रिंसिपल 100 रुपया, प्रिंसिपल मान लिया 100 रुपया, अगर 100 रुपया प्रिंसिपल है, रेट हर वर्ष 6% बढ़ रहा है, एवरी ईयर रेट 6% बढ़ रहा है, सॉरी दर कितना परसेंट है, 6%, हर वर्ष बढ़ रहा है 1.5%, हर वर्ष 1.5% बढ़ेगा तो 6% और प्लस 1.5% बढ़ जाएगा अगला साल, यानी प्रथम वर्ष में ब्याज जो मिलेगा, प्रथम वर्ष में ये 6% दर, अगला वर्ष, द्वितीय वर्ष यहां पर लिख सकते हैं, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष क्या हो जाएगा, ऐसा ही 6% प्लस 1.5% और फिर 1.5%, यानी कितना बढ़ा, इतना बढ़ा फिर इतना बढ़ा फिर इतना 1.5%, तो कितना परसेंट बढ़ जाएगा, ये 9%, यानी कि तीनों साल के लिए, हर एक साल के लिए 6% रेट और 7.5% रेट और यहां पर 9% रेट टोटल लगा, ये आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे, ठीक है। यानी कि प्रत्येक वर्ष का ब्याज, अब प्रिंसिपल आप मान रहे हैं कितना,
100 रुपया के लिए, तो एक साल का ब्याज जो रेट रहेगा वही ब्याज हो जाएगा। तो हम ब्याज सीधा लिखेंगे, तो इसका ब्याज लिखेंगे पहले साल का ब्याज कितना रुपया, चूंकि यहां पर समय एक साल हुआ ना, एक साल गुने छः तो छः ही ना होगा, और एक साल गुने डेढ़ ही होगा, 7.5 तो 7.5 ही होगा, और एक साल गुने 9, ये सबको जोड़िएगा तो टोटल ब्याज हो जाएगा ये 6, 9, 6, 15, 15, 7, 22.5 रुपया। ठीक है, यानी कि 100 रुपया मूलधन के लिए अगर दर हर वर्ष 1.5% बढ़ता है और शुरुआती दर 6% है, तो 3 बार बढ़ने पर ऐसे हो जाएगा ब्याज। क्लियर है यहां तक बात? अब क्या था, अब धन निकालना। आपका ब्याज कितना आ रहा है जी? आपका ब्याज आ रहा है 22.50 रुपया। यहां पर ब्याज कितना दिया हुआ है? 4500। यानी कि 22.50 रुपया जो है सो कितना है? 4500 रुपया है गुने 100। ये रहेगा आपका प्रिंसिपल और आंसर आ जाएगा। ये कितना जा रहा है सर? जब एसआई का क्वेश्चन बुक से पढ़ा बना पूछना हो तो कैसे पूछना है पूछेंगे? और टाइप क्वेश्चन का पीडीएफ ग्रुप में दीजिए सर। देखिए अंकित राज, और सर पैकेज मिल रहा है क्या? लाडली शर्मा, इन तीनों का जवाब एक साथ। सबसे पहली बात तो कि जितने लोग बोलते हैं कि पीडीएफ डालिए, वो एकदम वीडियो को स्थिर करके, जैसे क्लास में सुनते थे हमको रोक कर कि सर वीडियो स्क्रीन पर रोक है उसको हमको लिखने दीजिए, वैसे ही रोक कर स्क्रीन से लिखिए। आप सोचते हैं कि एक ही साथ काम निपटा दे, दुबर कम्मा कहला करें, नहीं दुबर कम्मा, आप एकदम कॉपी में लिखिए हर क्वेश्चन को, जैसे आप क्लास में बैठ के पढ़ते थे। ठीक है, आज YouTube का सब मतलब जो बच्चे YouTube से पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन वो लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे एकदम क्लास में करते थे, और आप क्या कर रहे हो कि अभी पढ़े हुए हो, कितना तकिया केवल लेटे लेटे हम पढ़ते रह गए, और पढ़ते पढ़ते कब लेटे रह गए पता ना चला। अब तकिया केवल से कोई कहीं फोन को टिका के पढ़ रहा है, वो पढ़ाई छोड़ दीजिए, वो पढ़ नहीं रहे, आप पढ़ने का केवल नाटक कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, क्वेश्चन एकदम लिखिए अपने से, वीडियो पॉज कीजिए, लिखिए उतना वक्त रहता है जिसमें कि आप लिख सकते हैं, फिर समझिए, फिर ढकिए, फिर बनाइए। रह गया पैकेज मिलने का, तो पैकेज ऑफलाइन होगा उसी समय मिलेगा एसआई का पैकेज। अभी आपको पता हो जैसा कि प्रॉफिट एंड लॉस का मिसलेनियस नहीं करवाए हैं हम, और एक्सरसाइज नहीं करवाए, तो सारा कुछ काम करना हो चाहे ऑफलाइन हो या कैसे, काम तो हम ठीक ढंग से करेंगे यार। ठीक है, हाँ ये क्या कर रहा हूँ मैं अभी मैं आपको रेगुलर रखने का प्रयास कर रहा हूँ, एकदम नहीं छूट जाए। कम से कम जो लोग सिंसियर लोग 40-48 बच्चा 50 बच्चा जो भी लाइव रहता है एवरीडे, आपके बैच का है कि 50-60 से ज़्यादा नहीं जाता है, 70 से ज़्यादा लाइव नहीं जाता, आपके बैच का लाइव नहीं रहता, उसमें भी 5-10 बच्चे बाहर के होंगे ही। इसका मतलब कि जो लोग बाहर वाले होंगे तो मना रहे होंगे कि कुछ दिन और जरा रहे कि एक आध दो टॉपिक निकल जाए। बाबू आप लोग कम से कम फायदा उठाइए, सब लोग जिनको भी मौका मिलता है, जैसे इसमें ज्योमेट्री का चल रहा है, रिवीजन भी चल रहा है, मैं बोल रहा था कि एक दिन पूरा एलजेब्रा का रिवीजन इसी बैच में क्लास में, कल ही पूरा एलजेब्रा वाला एक एक चीज हम यहाँ पर क्वेश्चन कर देंगे आपको, एकदम थ्योरी एक एक फटाफट, या ज्योमेट्री का कोई एक टॉपिक का पूरा उठा के रिविजन करवा देंगे आपको, समझ में आ रहा है, ताकि फायदा हो जाए सबको। और बुक से जब पूछना हो तो यार बाबू ऑफलाइन ही आना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 21 के बाद या 21 के कुछ 10-5 दिन आगे पीछे में लगता है कि क्लास वगैरह शुरू किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि मृत्यु दर बहुत कम है, लोग मर बहुत कम रहे हैं, संक्रमण बढ़ता जा रहा है, सरकार रोक रही है, ये मानता हूं कि एक व्यक्ति 6% वार्षिक दर से कोई धन, तो मतलब है कि वार्षिक साधारण ब्याज का ही है, क्योंकि मैं लास्ट में यहाँ पर साधारण ब्याज यहाँ पर कहीं पर मेंशन होना चाहिए। ठीक है, और चूंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज का, देखो किन्हीं का ये मन में चलेगा, यहाँ पर वर्ष के अंत में 4500 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है, ये मैं यहाँ पर एसआई लिखा था पहले ना, इसको साधारण ब्याज लिख लीजिएगा, एसआई मतलब साधारण ब्याज लिख लीजिएगा। ठीक है, किसी को यह ना लगे कि चक्रवृद्धि ब्याज का कहीं तो नहीं है, तो साधारण ब्याज मिला है। क्लियर है क्या? देखिए आगे होगा कितना रुपया, ये कटेगा नीचे में 10, और ये
25 चौका 100, 25 नौवा 200, 25 नौ 45 और 500 बार में पंचों का 20, यानी 20 पर 30 और 20,000 हो जाएगा क्या? 20,000 हो जाएगा। तो आपको 20,000 रुपया आया होगा आंसर। रोशन कुमार, सौरभ शर्मा 20,000 आया सर। खुशबू शर्मा, वेरी गुड खुशबू। अंकित, अभी पैकेज मिलेगा सर? अभी जवाब दिए नहीं मिल रहा है अभी पैकेज। ठीक है, तो अभी पूरा जितना टाइप्स है उसमें टाइप्स कीजिए और हम क्या करेंगे पैक की क्वेश्चन लगातार करवाते जाएंगे, लगातार क्वेश्चन एसआई का करवाएंगे अभी। और रह गया बात पैकेज का, तो पीडीएफ के फॉर्म में हमको डालना है, देखते हैं देखना है डालते हैं उसको कैसे। लेकिन आपको अभी पहले टाइप्स ख़त्म करना, टाइप्स में बहुत बचा हुआ है, हम डिस्कस करेंगे। प्रीति कुमारी, बहुत लेट से सब लोग जुड़ते हैं। मैं अभी बोल रहा था कि अगर ऐसे रहा स्ट्रेंथ क्लास में तो मैं क्लास नहीं दूंगा यूट्यूब पर। ठीक है, फिर जब खुलेगा तभी देंगे, हमको तो कोई बहाना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग बढ़िया से लाइव नहीं रहे तो ध्यान दीजिएगा, मैं नहीं दूंगा क्लास। ठीक है, जब जैसे सभी लोग शांत पड़े हैं हम भी शांत पड़े हुए रहेंगे आराम से, क्या दिक्कत है हाथ पर चलाना। तो आप लोग थोड़ा सा सिंसियरली रेगुलर जुड़े जुड़े रहिए क्लास में, हाँ, और लाइक वगैरह भी करते रहिए। ठीक है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है बाबू, सुबह से ही आपका तो मैं जानता हूँ कि सुबह से ही क्लास है और सारा क्लास खुद से अभी ये कर रहा हूँ कि लाइव वगैरह भी करना, टाइप वगैरह भी करना, तो इतना आसान नहीं है। साधारण ब्याज की दर से 800 रुपया के 3 साल में 9, ये बहुत बढ़िया सवाल है और हमेशा से पूछता रहता है और बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। मैं एकदम ऑथेंटिक देहाती तरीके से बताता हूँ इसको, ठीक है, एकदम जिस तरह से आपको समझना चाहिए, जिस तरह से आप उधार लेते हो, कर्ज देते हो, ध्यान से सुनना, एकदम ऑथेंटिक और फिर एकदम ट्रिकली उंगली पर काउंट करके। पहले सवाल बढ़िया से सुनिए, सब लोग जितने लोग जुड़े हुए हैं एकदम ध्यान से एकाग्रचित होकर ध्यान दीजिए, जिस तरह से क्लास में आप जुड़े हुए रहते थे। याद है आपको, कोई क्लास में नीचे भी देखता था तो मैं उसको तुरंत पकड़ लेता था, और अभी यहाँ तो पढ़े हुए हैं कितने लोग, जैसे तैसे पढ़ रहे हैं, कोई गटागट खाया जा रहा है, पढ़े जा रहा है कि खा के पढ़ते हुए खा लेंगे और फिर दूसरा एक वीडियो देखना है, थोड़ा सा मूवी रख ले हैं बाइट, मूवी को खत्म ही नहीं देखेगा, उसको सीरियसली देखेगा, कोई सीरियल बढ़िया सीरियसली देखेगा, लेकिन बाकी चलना ये दोनों का मन हो जाए थी यार। अरे सीरियस आपको तो क्या करना है जीवन में, उसको सीरियस थोड़ा सा होइए, नहीं तो बड़ी दिक्कत है जी कंपटीशन में। आज ही सुबह बड़ी देर एक बैच में पूरा देर बोलते रह गए हम, बड़ी स्थिति खराब है यार। अगर चाहते हो कि आप निकालो अपने परिवार को माया जाल से, थोड़ा सा कुछ काम आ जाए, क्योंकि जो लोग नौकरी में है वो चाहते हैं कि कुछ और करें, फिर जो बहुत बढ़िया लाख रुपये सैलरी कमा रहे हैं कितने लोग, वो सोचते हैं कि बिजनेस करें। तो आप बिजनेस सोचने से पहले शुरुआत आपका नौकरी से ही हो रहा है, एक बाय एक आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। सो प्लीज अपने जीवन को महत्वपूर्ण समझें। साधारण ब्याज की दर से 800 रुपये की राशि 3 वर्ष में 920 हो जाती है। कोई खास साधारण ब्याज दर का दर है, साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट का रेट है, और 800 रुपया कोई धन लगाता होगा 3 वर्ष में वो 920 हो जाता होगा। 920 हो जाने का मतलब तो आपको समझाया गया है, हो जाता है इसका मतलब कि अमाउंट है वो मृषधन है, यानी कि 800 रुपया 3 साल में 920 हो जा रहा है। तो फिर बोलता है कि तो भैया यदि उतने ही समय में कोई बदलाव ना हो और ब्याज की दर 3% अधिक हो, समय वही रहे और ब्याज का दर कितना प्रतिशत, क्वेश्चन अगर पुराना नजर नहीं आ रहा तो मैं बड़ा कर सकता हूँ क्वेश्चन। ठहरो, क्वेश्चन लगता है कि नजर नहीं आ रहा है, कोई हनुमान जी जैसा बढ़ता है बाबू, सोरह जोजन मुखते ठयऊ तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। ठीक है, आप लोग सुने होंगे, हाँ, तो ये बड़ा हो गया क्वेश्चन, अब जिनको झंझट लगता होगा वो देख लीजिए। तो साधारण ब्याज की दर से 800 रुपया की 3 वर्ष में 920 हो जाता है, उतने ही समय में यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो धन कितना होता। हम पहले सोचना है कि एकदम ऑथेंटिक, भैया 800 रुपया अगर कोई हो जा रहा है दिन दहाड़े कितना 920, इसका मतलब कि प्रिंसिपल से अमाउंट हुआ यानी कि एसआई लगा कितना रुपया 120 रुपया है ना। तो हम सर यहां से रेट नहीं निकाल लेंगे क्या? ऑफ कोर्स रेट निकाल लेंगे, रेट बराबर होता है ब्याज गुने सौ मूलधन गुने 3। आप ऐसे भी निकाल सकते थे डायरेक्ट, कैसे निकाल सकते थे 120 रुपया 800 पर, 100 रुपया पर कितना, 100 रुपया पर 8 से भागा दीजिए 120 में 15 रुपया, अरे 100 रुपया पर ब्याज कितना रुपया 15 रुपया, क्यों 800 पर ब्याज 120 रुपया तो 100 रुपये पर ब्याज
15 रुपया 800 से भागा देंगे, 100 रुपया पर ब्याज 15 रुपया कै साल में, हाँ 3 वर्ष में, 100 रुपया पर ब्याज 15 रुपया कै साल में, 120 कै साल में था, 3 साल में, कितने साल में था, 3 साल में, तो ब्याज आपका जो 3 साल में ब्याज आया सो कितना रुपया आया, 15 रुपया, कहे कि 800 रुपया का ब्याज 120 था, तो 100 रुपया का ब्याज 15 रुपया कितने साल में, 3 साल में, 100 रुपये का ब्याज 15 रुपया 3 साल में, यानी कि 1 साल में 5 रुपया, 100 रुपया पर 1 वर्ष का ब्याज अगर 5 आता है तो यही 5% वार्षिक लिखाता है, यही क्या लिखाता है, 100 रुपया पर 1 वर्ष का ब्याज 5 रुपया है, यानी यही 5% वार्षिक है। कैसे निकाले आप, 800 रुपया का 120 रुपया ब्याज था 3 साल में, क्योंकि 920 रुपया हो जा रहा था, तो 800 रुपया का 120 रुपया ब्याज था कै साल में, 3 साल में, तो 100 रुपया का ब्याज कितना रुपया, 15 रुपया, कितने साल में, 3 साल में, और 3 साल में 15 रुपया, तो 1 साल में 5 रुपया। लेकिन इतना सोचना बहुत मुश्किल है, आप और परिपक्व होइएगा तो बहुत चीज का अनुमान लगा लीजिएगा, अभी थोड़ा सा रहने दीजिए इस पे। कितना कलर, क्या बात है यार, बिना फॉर्मूला के मतलब उंगली पर निकाल देती है, अरे भाई साहब ये पकड़िए बनाइए, जहां पर डंटे मौजूद हों चलने के लिए और रास्ता थोड़ा जटिल है, शुरुआत है रास्ता, तो हम डंटे के सहारे चलेंगे, फिर एक दिन ऐसा मौका आएगा जब डंटे की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा, लेकिन आप तुरंत ना मजा होते हलता हूँ ना जब हम इसे छोड़ के चलते, अरे ठीक से खड़ा तो होना सीख लो, डंटा तो आप अपने बदौलत छोड़ोगे, मेरे बदौलत नहीं, उस आपके प्रैक्टिस में क्षमता आ जाएगा कि आप डंटा छोड़ के चलोगे, ठीक है। तो रेट निकालेंगे यहाँ पर, कटपट कर देंगे, ब्याज गुने 100/800 × 3, यानी काटिएगा तो ये मिल जाएगा भाई 2 0 से 00 0 8 से 3 से कितना बार में 40, 8 5 40, 5% रेट आ गया। ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, मैं समझा रहा हूँ, पहले एकदम ऑथेंटिक आए जी, 5% रेट था पहले, अब रेट कितना हो गया, 3% है, 5% रेट हो गया, तो कितना परसेंट रेट हो जाएगा, अब पहले दर था कितना, पहले दर 8.5%, अब दर 3% बढ़ गया, तो 5% प्लस 3%, 5 × 3 8%, कितना प्रतिशत का कीड़ा ऐसा काट ले रहता है, क्यों कहेगा कि 5 × 103/100, 3% बढ़ा ना सर, सो वी हैव टू टेक 103/100% ना सर, समझ पा रहे बात, लेकिन क्या होगा क्या ये, नहीं, क्यों, क्योंकि 5% ऑलरेडी 100 पर 5 रुपया है, तो 100 में 3 रुपया बढ़ेगा, तो 5 और 3 8 बढ़ेगा, तो आपको कभी नहीं सोचना है कि 5% 3% इंक्रीज किया है, दैट्स वाई वी हैव टू मल्टीप्लाई 5 × 103/100, नहीं, आप समझ पा रहे हो कि नहीं, तो आप क्लियर बात समझिए, तो यहां पर 8% रेट हो गया। अब आपको निकालना है क्या, अब आपको निकालना है बाबू ब्याज, ब्याज निकालिए, तो ब्याज निकलेगा 800 × 8% × 3 वर्ष, समय तो नहीं बदला है ना, बटा 100, तो हो जाएगा 138 64 64 3 4 12 2 6 18 19 192, और 192, तो अब नया अमाउंट क्या होगा, मृषधन बराबर, अमाउंट मतलब मृषधन, नया मृषधन हो जाता बाबू 800 प्लस 192 जो कि मिलता 905, क्लियर है। लेकिन ये एकदम ऑथेंटिक तरीका, एकदम आपका वास्तविक तरीका ये हो गया बाबू। अब इस वास्तविक तरीकों को हम एक लाइन में बस समझाना चाहेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा वास्तविक, ये जो तरीका आपको हुआ उसको केवल एक लाइन में समझिएगा, मौखिक समझिएगा, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो तमाम मौखिक बनाने के लिए मैं तो कहता हूं कि हर बच्चे को ये प्रोसेस समझ में आना चाहिए, क्योंकि अब जब भी कुछ भी इधर उधर घुमाएगा फिराएगा तो आपको ये मदद करेगा, ठीक है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं इसमें जिस तरह से बता रहा हूं वो आपको हमें 100% काम आएगा। ये अगर आपको लिखना चाहते हैं तो लिखिए, और अब ध्यान दीजिए इधर यहां तक, कितने लोग अभी तुरंत ना लिखें, बाद में लिख लीजिएगा, अक्सर से क्लास में क्या करते थे आप तुरंत एकदम छपाइया शुरू कर देते थे, अब तक हम इधर बोल रहे हैं उधर आप छाप रहे हैं तो हम मना करते हैं, धोंधू छापना बंद करें और केवल मेरा सुने। मैं कई बार बोलते रहता था कि आप कहीं भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, इधर उधर ध्यान देते हैं, वहीं पर आप लूज होते हैं और आप सोचते हैं कि ऐसा ना मिटा दें इसलिए लिख लेते हैं।
मुझे लगता है कि थोड़ा मोड़ा तो फीलिंग आता ही होगा ऑफलाइन वाला अभी भी। मैं अपने हर तरफ से हर संभव प्रयास करता हूँ। देखिए बहुत लोग जुड़े हुए हैं, अंकित कुमार, स्वीटी, अमित, अवधेश। इसमें अच्छा बात क्या है पता है, मैं आप लोगों का नाम ले पाता हूँ, ठीक है, जो लोग जुड़े हुए रहते हैं। मैं वैसे क्लास में बहुत कम नाम लिया करता था किसी का भी, ठीक है। आप लोग अगर सचमुच सिंसियर होकर पूरा देखते होंगे वीडियो, तो लगता है कि थोड़ा मोड़ा तो क्लियर हो ही रहा होगा। और मैं कहता हूं कि जो रेगुलर देख रहे होंगे उनको बेसिक थोड़ा सा ठीक होगा, सब क्लियर होगा। साधारण ब्याज की दर, अब देखो बाबू 800 रुपया हो जा रहा है कितना रुपया, 920 रुपया। ध्यान से सुनिए, सुनिएगा, ये अमाउंट हो गया 920 रुपया। किस रेट से? पहले वाला रेट से। कोई पहले रेट होगा हमारा पता ना है, हम पता नहीं जानते हैं, 5% रेट है, मैं नहीं जानता हूं, नहीं निकालने जा रहा हूं मैं, लेकिन मैं जानता हूं कोई खास रेट से इतना हो गया था। अब क्या हुआ, रेट कोई था पहले, अब रेट हो गया R+3% रेट हो गया, ठीक है। और समय पहले भी 3 वर्ष था और अभी भी 3 वर्ष है। अच्छा बताइए क्या बदलता है, ब्याज बदलता है कि प्रिंसिपल बदलता है? ब्याज बदलता है। और अमाउंट बदलता है कि ब्याज के कारण अमाउंट बदलता है? ब्याज के कारण अमाउंट बदलता है। तो हम अमाउंट को छोड़िए ना, हमको देखो अमाउंट 920 पहले वाला था, अब 3% के दर से 3 साल के लिए कोई रेट बढ़ता तो ब्याज 100 रुपया पर 9 रुपया बढ़ता। अरे ब्याज 3% के कारण 3 वर्ष में कै रुपया बढ़ता, 100 रुपया के लिए, 100 रुपया के लिए 3% के कारण 3 वर्ष में ब्याज 9 रुपया बढ़ता, 100 रुपया के लिए, तो 800 रुपया के लिए 72 रुपया बढ़ता। अरे क्लियर है, 800 रुपया के लिए 3 वर्ष में 3% के दर से 72 रुपया ब्याज बढ़ जाता। नहीं जी, अरे SI में चेंजिंग कितना था, क्योंकि दर में चेंजिंग, दर में चेंजिंग के मतलब सीधा किस में चेंजिंग, ब्याज में, तो 72 रुपया ब्याज में बदलाव, बदलाव आता का मतलब बढ़ता कि कमता, अरे ये बढ़ेगा कि कमेगा, 72 रुपया बढ़ेगा। और जब 72 रुपया जोड़िएगा तो वही नया अमाउंट आ जाएगा 992। वही था क्या? अरे समझ पाए बात, क्लियर है मामला कुछ? क्या ब्याज 900 नया ब्याज क्या यही आया क्या? नया अमाउंट बराबर क्या होगा 900? ये ऐसा ना नया के जगह, नया अमाउंट की जगह पर कुछ और पढ़े आप, लेकिन आपको समझ में आएगा कि या तो इतना करिए, या तो ब्याज में बदलाव होगा, या तो ब्याज में बदलाव निकाल लीजिए। चेंज इन SI, चेंज इन SI इज 72 रुपया, यानी कि SI इंक्रीज कर जाएगा 72 रुपया। क्यों? क्योंकि रेट इंक्रीज किया है 3%। अरे क्लियर है? ये देखो आशुतोष कुमार कह रहे हैं कायूस, ए बाबू बताओ तो, मैं आप लोगों के भावनाओं का कद्र करता हूँ, लेकिन पर्सनल टॉक आप बाहर में करें, कॉल कर लीजिए ना, दोनों आइए उसकी कार्य, चल निकल निकल, कॉल उठाइए तो हमारे कॉल करें, वो भी बेचारा बतियाएगा थोड़ा जम जम के, उसको भी ऐसे जवाब नहीं दे पाता होगा लिख के, कॉल कर लीजिए ना। बड़ी दर्द है। तो मुझे लगता है कि ये तमाम काम जो था सो इतना समय हो गया, आपको सीधा सीधा समझना है 3% के दर से बढ़ेगा, 3% दर बढ़ेगा और 3 साल में बढ़ेगा, तो 3 × 9 रुपया बढ़ जाएगा 100 रुपया पर, और 800 रुपया पर 9×8 = 72। नहीं समझ में आता है तो ऐसे 800 ब्याज मूलधन गुने जो समय था और दर में जो चेंजिंग हो रहा था वो लिखिए, ब्याज में चेंजिंग आ जाएगा, सीधा जोड़िए आंसर आ जाएगा। अरे क्लियर है क्या? एक बार फिर से सर, कहां से चंदन? पता है आप लोग अगर सिनेमा हॉल में गए ना तो गड़बड़ा जाएगा, आप परेशान कर दीजिएगा वो सबका यार, कि एक बार फिर से पीछे वाला थोड़ा सा ना देख लिया यार, देखिए हीरोइनिया कैसे तो किस कर रहा था वो हीरो का, देख लिए ना बढ़िया से, थोड़ा एक बार पीछे, मतलब यहाँ पर APR है,
एपीआर में गए बैठे चार पांच लोग दोस्त, ये यार थोड़ा सा पीछे वाला पढ़ाइए भैया, पीछे वाला पढ़ाइए, थोड़ा सा देख ही नहीं पाए हम, कैसे दिखाएगा कोई डायरेक्टर आपको पीछे बढ़ा के हैं। फिर कहेगा कि एक काम करो, ये डाउनलोड कर लो, ये कुछ दिन में आ जाएगा बाहर, उसको फिर से जितना बार प्ले कर करके देखना होगा, देखते रहना। हे महान आत्मा, मैं आपके भावनाओं का कद्र करता हूँ, हो सकता है कि आप नहीं सुन पाए होंगे और पूछे हैं, आपका पूछना काम है, पूछना भी चाहिए आपको, लेकिन सोचिए ना कि हर बार ऐसी बच्चा करे तब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा यार। आपको इतना इंटेंशन से देखना है चंदन कि एकदम मजा आ जाए यार, आपको समझाने वाला को लग जाए। हाँ मैं मानता हूँ कि हर बच्चा एक बार में नहीं समझेगा, मैं मानता हूँ, लेकिन आप केयर करके भी ध्यान तो देखो, आप कहाँ से समझाना, ये चक्कर आ गया कि ये समझाऊँ फिर से या ये समझाऊँ, क्योंकि ये तो सिंपल बताया गया है कि 800 रुपया 920 हो गया, 120 रुपया ब्याज आया, रेट आ गया 5%, और दर 5% आया। अब दर क्या हो गया कि बढ़ हो गया 3%। कितने बच्चों का ऐसा होता है कि क्वेश्चन क्लियर नहीं होता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जबकि क्वेश्चन हम शुरुआत में पढ़ देते हैं दो बार। 3% रेट बढ़ गया तो 5% 8 कर दिए, और 8 बढ़ाने के बाद ब्याज, नया ब्याज निकाल लिया 192 रुपया, और फिर 800 में 192 जोड़े तो 992 हो गया। लेकिन इसी को डायरेक्ट करना था कि पहले का मिश्रधन पहले वाला दर के अनुसार से तो ब्याज दे था ही 920, पहले वाले रेट के अनुसार थे तो 920 रुपया ब्याज दिया हुआ था ही, 920 रुपया अमाउंट तो था ही। अब 920 रुपया अमाउंट था, अब उसको 920 रुपया अमाउंट पहले वाला था, अब जो 3% रेट चेंज हो रहा था उस रेट के कारण कितना ब्याज चेंज होगा ये निकालना था, हमें फाइंड करना था कि 3% जो रेट इंक्रीज किया है उसके कारण कितने ब्याज में बदलाव आएगा। हम 3% रेट के कारण 3 वर्ष में 800 रुपया कितना ब्याज दे देगा ये देख लेना था, तो 800 रुपया का 3 वर्ष का 3% जो रेट बढ़ा था केवल उसका ब्याज निकालनी है, एंड उसको ऐड कर दिए पहले वाले अमाउंट में, क्योंकि पहले वाले अमाउंट में पहले वाले रेट के अनुसार से जो अमाउंट ब्याज था वो तो जुड़ा था ही था। अरे क्लियर है, डायरेक्ट जोड़े आंसर आ गया, क्लियर है कि नहीं बात। हालांकि आप इतना पूछे तो एक बार डिस्कस हो गया, जो लोग नहीं सुने होंगे वो भी सुन लिए, और ये कभी मेरी बातों का बुरा ना माना करें, लेकिन बात तो है जो बता रहे हैं सो, कि आप मूवी को पीछे करके दिखाने का कोई एपीआर में नहीं बोलता है, चाहे कितनों पेमेंट करके देख रहा हो, लेकिन यहाँ पर तो पल पल आप कदम कदम पर तो इतना बढ़िया से देखिए ना यार, मजेदार सर वो मूवी के बात है कहाँ, आप बता रहे उबाओ चीज बताइए, आप हीरो हैं कोई कोई बात नहीं, लेकिन जो ये बता रहे हैं वो आपका जीवन निर्धारित करता है बाबू, उस मूवी से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपका जीवन निर्धारित करता है, ये अगर ठीक हुआ तो आपका सारा आगे आने वाला हीरो हीरोइन सब ठीक रहेगा, नहीं तो मामला पूरा गड़बड़ा जाएगा, जो आप महसूस करते हो हीरो जैसा विलन से भी बदतर हो जाएगा। कई बच्चों को लगता है कि भाई इससे बेहतर होता कि कुत्ते घर में जन्म ले लेते, कितना कुतवन के बड़ी बढ़िया से पालते हुए देख रहे थे, वो वाला जीवन भी नहीं मिल पाता है बहुत। बताओ दिल्ली में मैं देखता हूँ कि एकदम गाड़ियों में ले जाते घुमाते फिराते रहते हैं, आजा टॉमी है बढ़िया से, नहीं अगर बढ़िया किए तो बड़ी खटना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा बाबू बहुत। अभी का जो बच्चा सिंसियर रूप से नहीं पढ़ेगा, अपनी स्थिति नहीं समझेगा, बिहार का बच्चा बहुत बच्चा मैं जानता हूँ, बहुत तो घरों की स्थिति अच्छी नहीं है बाबू, अगर बहुत घरों की स्थिति ऐसी है कि वो रह नहीं सकता बढ़िया से घर पे, बेचारा जी तोड़ मेहनत कर रहा है, आप उसमें अगर बढ़िया से नहीं मेहनत करते हैं तो बहुत मुश्किल होगा। अगला सवाल आप देखिएगा, सवाल देखिएगा, साधारण ब्याज की दर से 900 रुपये की राशि 3 वर्ष में 280 रुपये हो जाती है, उतने ही समय में यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती तो धन कितना हो जाता, कितना हो जाता बाबू बनाइए, सब लोग प्लीज प्लीज बनाइए, ये समझाने का प्रयास किए हैं आप, सेकेंड मेथड या फर्स्ट मेथड से आप देखिए बनाइए इसको। बारह पंद्रह बोल रहे हैं रोशन राज, और किसी का कोई आंसर,
12-15 रितेश, विक्की बाबा, श्वेता कुमारी 12-15, खुशबू शर्मा 12-15, कंचन कुमार 12-15, अंशु चंद्रा 1215, विष्णु कुमार, अवधेश कुमार, रोशन कुमार, आयुष कुमार, सियाराज, ब्रजेश कुमार, चंदन कुमार, सोनी कुमारी, सभी का 12-15 आ रहा है। मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा बात। पहले वाला अमाउंट था 180 रुपया, है ना, अब 900 पर 5% 3 वर्ष के लिए बढ़ जाता है। तो 900 पर 5% के दर से 3 वर्ष के लिए बढ़ेगा, तो डायरेक्ट हम रेट में कितना बढ़ाए हैं वो देख लेते हैं, कितना बढ़ाया देखते हैं। 900 रुपया के लिए बढ़ा बढ़ेगा 9 5 45, 35 15 135, और जहां 135 ऐड करेंगे पहले वाले अमाउंट में जो नया ब्याज में बदलाव होगा, तो ये हो जाएगा, जानते हो कितना, 12 8 3 11, 12-15 रुपया ब्याज बढ़ेगा, ब्याज बढ़ेगा, ब्याज में वृद्धि। बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। लेकिन जिनको नहीं समझ में आया होगा उनको मैं देखिए डिस्कस करता हूं पूरे तरीके से। आप 900 रुपया था पहले 3 वर्ष में दे रहा था, कितना 1080, यानी ब्याज कितना रुपया था बाबू। एक तो तरीका ये हो गया कि ब्याज में बदलाव, ब्याज में वृद्धि कितना हो जाएगा, तो ब्याज में वृद्धि होगा इतना, और ब्याज में जितना वृद्धि होगा उसको अमाउंट पहले वाले अमाउंट में ब्याज जोड़िएगा तो नया अमाउंट मिल जाएगा। क्योंकि अमाउंट तभी चेंज होता है जब ब्याज चेंज होता है, और ब्याज तभी चेंज होता है जब पीआरटी में से कोई चेंज होता है। आपको ऐसा नहीं कि मूलधन तो फिक्स है, ब्याज जितना बढ़ाइएगा अमाउंट बदलते जाएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट ब्याज अमाउंट में ब्याज जोड़ दिए। सर मिश्रधन में ब्याज जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, फिर से नया मिश्रधन बनेगा। पहले वाला मिश्रधन पहले वाला के अनुसार था, पहले वाले दर के अनुसार, पहले वाले मूलधन के अनुसार, नया दर चेंज हुआ तो नया दर में जितना चेंज हुआ जितना बढ़ा उसके अनुसार से ब्याज बढ़ गया 135 रुपया, और जब ब्याज बढ़ गया 135 रुपया तो वृद्धि करेंगे अमाउंट में तो नया अमाउंट मिल जाएगा हमको। तो अब ये सवाल उठता है कि मिश्रधन में अगर ब्याज जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, नया मिश्रधन मिलेगा। इफ वी एड सिंपल इंटरेस्ट इन अमाउंट वी गेट न्यू अमाउंट, समझ पा रहे बात। अगर हम पहले वाले मिश्रधन में ब्याज जोड़ेंगे तो हम नया मिश्रधन प्राप्त करेंगे, ठीक है। सो यहां पर कंफर्म हो रहा है कि ब्याज जोड़ सकते हैं मिश्रधन में, कहीं ऐसा मिश्रधन में मिश्रधन ना जुटेगा सर कि मिश्रधन में ब्याज जुटेगा, तो अमाउंट में हम ऐसा ही क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर सकते हैं। अब इसको रह गया कि भाई सर वो ऐसे रेट निकाल कर बनाते तो कैसे बनाते, हाँ रेट निकाल कर बनाते तो कैसे बनाते, तो देखिए ऑथेंटिक, आप कई बार ऑथेंटिक बनाने का प्रयास करें फिर एक बार सोचने का प्रयास करें कि कैसे सोचा जा सकता है। हम रेट निकालते हैं, रेट बराबर हो जाता है ब्याज गुने 100 बटा प्रिंसिपल गुने टाइम, और ब्याज कितना है 1080 रुपया में से अगर 900 रुपया घटाएंगे तो मिलेगा 180 रुपया। 180 रुपया ब्याज मिल रहा है हमको कितना साल में, 180 रुपया ब्याज मिल रहा है हमको 3 साल में 5% के रेट से, सॉरी कितने साल में 900 रुपया पर, 900 रुपया पर 3 वर्ष में, ठीक है 900 रुपया पर 3 वर्ष में, तो रेट कितना मिलेगा देखिएगा निकाल के। काटिएगा तो मिलेगा 900, ये 0 से 0, 3 6 18 60, 20 60, 3 3 9 20 बटा 3%। अब 20 बटा 3% आ गया, नया दर क्या होगा, नया दर बराबर होगा 20/3 और प्लस 5 35 15 35, यही होगा नया ब्याज क्या होगा, अब ब्याज क्या होगा, अब ब्याज होगा मूलधन 900 प्रिंसिपल रेट 900 प्रिंसिपल रेट कितना होगा 35/3, और समय, समय तो वही था, समय चेंज नहीं किया था है ना, तो समय चेंज नहीं किया था तो कोई बात नहीं, ब्याज नया वाला लिख लेंगे आप, काटिएगा इसको 00 से 00, 3 3 3 से 3 कैंसिल, 35 नवा 9 5 45 पच 9 3 27 4 315 रुपया, 315 रुपया आपका ब्याज हुआ,
और अमाउंट बराबर प्रिंसिपल यानी 900 प्लस 315 विच इज 1215, यही आंसर हो जाएगा नया अमाउंट। क्लियर है कि नहीं है? नया अमाउंट क्लियर हो जाएगा इस पे। तो ऐसे इस तरह से आप कर सकते हैं इसको बहुत आसानी से, लेकिन इसको हम एक लाइन में बनाए डिस्कस किए क्या करना है कि कितना चेंज इन इंटरेस्ट हुआ है वो देख लेना है, और चेंज इन इंटरेस्ट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन चेंज इन रेट, यानी 5% दर में बदलाव हुआ है उसी पर निर्भर करेगा कि ब्याज कितना चेंज होगा। ये आपका 3 वर्ष में कितना चेंज होना चाहिए भैया, 135 रुपया चेंज होगा, और 135 रुपया 280 में जोड़िएगा तो वही रिजल्ट आएगा जो इतना करने के बाद आता। क्लियर है कि नहीं बात? 135 रुपया जोड़ दीजिए इसमें, 5, 8, 3, 11, 1215 रुपया होगा। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हो गया है। NTPCC वीडियो के लिए कुछ अलग से स्टार्ट होगा क्या सर? आप ऑफिस में आकर मिलिए, स्ट्रगल इज लाइफ, लाइफ इज अ स्ट्रगल, ठीक है? समय हो गया क्या आज? ठीक लग रहा है कि नहीं? ठीक लग रहा है क्लास? क्योंकि ज्यादा लेंदी हो रहा है। बाबू सब लोग लिखकर कमेंट करके जरूर बताएं, एहसास दिलाया करो कि तुम मौजूद हो, अपने मौजूदगी का एहसास दिलाया करो, नहीं तो ऐसा होगा कि आप कहीं गुमनाम न निकल लें। इसलिए अगर अपने आप को, अपने आप का होने का एहसास करवाना है ये समाज में, तो बाबू काम करना होगा, क्योंकि वैसे तो जानवरों की भांति बहुत लोग जी रहे हैं, बहुत लोग जी रहे हैं। सवाल अगला है आपके सामने। मिशन CHSL कहते हैं मौजूद हैं सर। ऐसे कैसे सौरभ शर्मा कह रहे हैं? आप लेट से ज्वाइन किए हैं सौरभ, पीछे का सारा देखिए वीडियो। धर्मेंद्र कुमार, सोनी कुमारी, हाँ स्वीटिश शर्मा, आयुष कुमार, स्ट्रगल इज लाइफ, दीपक कुमार, इसको बनाइएगा। कहते हैं साधारण ब्याज की दर से 1000 रुपये की राशि 3 वर्ष में 920 हो जाती है। 1000 रुपये की राशि 3 वर्ष में 920 हो जाती है, ऐसे कैसे होगा? उल्टा लिख दिया गया है, चेंज कर दीजिए इसको। 920 रुपये की राशि कितना रुपये बढ़ जाएगा? 80 रुपये बढ़ जाएगा क्या? है चेंज कर दीजिए इसको, ऐसे कर दीजिए। 180 रुपया अगर मैं करूंगा इसको, 180 रुपया करूंगा तो 8, 10, 11, मैं 1100, देखिए इसको चेंज कीजिए, यहाँ पर कीजिए उल्टा कर दीजिए, इसको कर दीजिए आपको, इसको कर दीजिए कितना, ये इसको कर दीजिए 920, और इसको लिखिएगा बाबू काट के 1100 रुपया लिखिएगा, 920, और इसको 1100 लिखिएगा। साधारण ब्याज की दर से 920 रुपया की राशि 3 वर्ष में 1100 रुपया हो जाता है, 1100 रुपये हो जाती है, तो उतने ही धन यानी कि 920 ही 5 वर्ष में, 5 वर्ष में, देखो यहां पर 3 वर्ष था, अगर 5 वर्ष कर दिया बाबू, 6% अधिक होती तो धन कितना होता। सबसे पहले यह सवाल थोड़ा सा लेंदी कर दिया, ध्यान दीजिएगा, एक बार समझिए। मैं क्या करना चाहूंगा कि मैं 920 रुपया का पहले निकालूंगा कि ब्याज कितना रुपया है 3 वर्ष में, 3 वर्ष में ब्याज कितना है 1100 रुपया हो जाता है अमाउंट, यानी कि ब्याज कितना है, ब्याज कितना 180 रुपया। क्लियर है? 920 रुपया का 3 वर्ष में ब्याज 180 रुपया है। जब भी समय बदले बाबू, जब भी समय बदले तो देखिए, जब भी समय बदले बदला हो, जैसे 3 वर्ष था, यहां पर वर्ष कितना दे दिया 5, इसके पहले वाले सवाल में समय नहीं बदला था, केवल क्या बदला था, दर। तो जब समय बदल जाए तो सबसे पहले क्या करो कि 3 वर्ष का ब्याज 180 रुपया हो रहा है, तो भैया आपको जानते हो कि 1 वर्ष का ब्याज कितना होता, 1 वर्ष का ब्याज 60 रुपया, और 1 वर्ष का ब्याज 60 रुपया, यानी कि 5 वर्ष का ब्याज कितना रुपया,
कितना 5 वर्ष का ब्याज? 300 रुपया। अरे ठीक है, क्या 380 रुपये प्रिंसिपल में 300 रुपया का ब्याज 180 रुपया था। 1 वर्ष का ब्याज कितना रुपया? 3 वर्ष का ब्याज 180 रुपया, 1 वर्ष का ब्याज 60 रुपया, 5 वर्ष का ब्याज 300। यानी कि सवाल अब हो गया कि कोई 920 रुपया है, 920 रुपया है, सो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा भाई? 5 वर्ष में 1220 रुपया हो जाएगा, सही कि नहीं? 300 रुपया 920 रुपया में जोड़ेंगे 5 साल में, 5 वर्ष में 300 रुपये ब्याज, और 920 में जोड़िएगा तो 5 साल का ब्याज कितना रुपया? या फिर 3 साल का ब्याज देल था ही, जोड़ल था, 2 साल का वो जोड़ देते, 360 रुपया भी जोड़ते तो वही आ जाता, सॉरी 1 साल में 60 रुपया, 2 साल में 120 रुपया, 120 रुपया जोड़ते तब भी वही आता। या तो 2 साल का ब्याज जोड़ दीजिए, 2 साल का ब्याज निकाल लीजिए और उसको जोड़ दीजिए 1100 में, या तो डायरेक्ट 5 साल का ब्याज निकाल लीजिए और फिर उसको किस में जोड़ दीजिए? मेन मूलधन में, प्रिंसिपल में। यानी कि क्वेश्चन हो गया कि 920 रुपया 5 साल में इतना हो जाता है 8% रेट से। अगर रेट कर दिया 5 साल में ही निकालिए, यदि रेट कर दिया कितना बढ़ा दिया भाई साहब? 6%। अब बस 6% के कारण निकाल लीजिए 920 रुपया का 5 वर्ष में, 6% के कारण ब्याज में चेंजिंग क्या होगा? चेंज इन SI कितना हो जाएगा? 20, 25, 100, 1 0 से 1 0, 2 3 6, 3 2 6 और 9 3 27, 276। अरे 276 रुपये हो गया क्या? 276 जोड़िएगा 1220 में, आंसर कितना हो जाएगा? 1220 + 776, 276 कितना हो जाएगा? ये 1496 रुपया, यही आंसर होगा इसका, ठीक है, यही आंसर होगा इसका। चल 1496। तो मुझे लगता है कि जब समय बदले तो उस समय के लिए ब्याज निकाल लीजिए और ब्याज जोड़िए और नया सोचिए कि 5% के 5 वर्ष में कितना ब्याज हो रहा था 8% रेट से, उसी तरह से चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा। मुझे लगता है कि आज भर इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, लगातार बने रहें, जुड़े रहें।